हेलो गाइस, मैं अविनाश और आज मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्केचअप हिंदी पे। तो सबसे पहले तो मैं सॉरी कहना चाहूँगा सबसे, क्योंकि जो पिछली वीडियो मैंने बताई थी वॉल्यूम ऑफ फुटिंग, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं फिर से फुटिंग के बारे में ही बताने वाला हूँ, इसकी वॉल्यूम को। उसमें मैंने बताया था कि जो फॉर्मूला होता है हमारा आइसोलेटेड फुटिंग का, उसका होता है कि h/3 में एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस में अंडर रूट एरिया 1 में एरिया 2। ठीक है, तो मैंने उस पे कहा था कि वो कुछ इस तरीके के जो शू फुटिंग होते हैं हमारे, उनमें वर्क नहीं करता। तो बेसिकली अब ये मेरे पास है। चलिए, तो अब मैं इसका वॉल्यूम कैसे निकालूं? अभी मैंने आपको, आप कहेंगे कि h/3 इसके वाले फॉर्मूले से निकालें, लेकिन इसके वाले फॉर्मूले से निकालेंगे तब ये नहीं होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं ये एक्चुअली में जब मैं इसे आधा कट करूंगा, ऊपर से इस तरीके से कट करूंगा, तब जाके ये बन के आएगा। तो इसके लिए तो ये फॉर्मूला नहीं होगा ना बेसिकली। ठीक है, तो इसके लिए मैं सॉरी कहना चाहता हूँ, मैंने उस समय ट्राई नहीं किया था। जब मैंने बाद में ट्राई किया तो मुझे लगा कि मैं गलत हूं, तो आपको बताना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने तीनों फुटिंग आइसोलेटेड से रिलेटेड ही ली है, लेकिन बस आपको दिखाने के लिए, जैसे ये कॉर्नर की है, इसमें ये कॉलम होगा यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे एक कॉलम क्रिएट कर दूं, तो ये कॉलम होगा यहाँ पे, एंड इसमें यहाँ पे होगा बीच में, एंड इसके में बिल्कुल सेंटर में होगा। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो बेसिकली हमें तो इसका वॉल्यूम निकालना है हर एक हिस्से में। तो आप देख सकते हैं कि मैंने बेस जो है प्रॉपर एक ही लिया है। अब ये देखिए, प्रॉपर इसके नीचे जो भी होगी वो रेक्टेंगल में आएगा या स्क्वायर में, जो भी होगा। ठीक है, रेगुलर की तरह हम ले सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करके उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तीनों में एक जैसा ही आएगा। इसके ऊपर तीनों अलग अलग हैं तो हम उस पर बात करेंगे। तो देखिए, इसका जैसे 10x10 का है, ये भी 10x10 फिट का है। ये देखिए, ठीक है, एंड ये जो है ये भी 10x10 फिट की फुटिंग में है। बस जो इसका शेप है आइसोलेट वाला एरिया का, वो अलग है। जैसे ये सेंटर में है, ये आप देखेंगे कि ये एक साइड में है सेंटर होके, और ये बिल्कुल कॉर्नर में एक सेंटर है। ठीक है, आप देखेंगे कि जो कॉलम का साइज भी मैंने लिया है, वो लास्ट में जो एरिया 2 एक तरीके से कहते हैं जिसे हम, वो भी तीनों में सेम है, 2.5 फुट के हैं। ठीक है, तो अब हम तीनों का वॉल्यूम जब निकालने जाते हैं, तो हमारा जो फॉर्मूला है हम उस पे आते हैं। ये देखिए, हम यहाँ पे ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला है हम उसे लिखते हैं यहाँ पे। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है h/3 इंटू में एरिया 1 प्लस में एरिया 2 प्लस में अंडर रूट एरिया 1 में एरिया 2। ठीक है, बेसिकली तो जब हम अपने फुटिंग को देखते हैं तो हर चीज तो वही है। जैसे मैंने हाइट आपको दिखाया, तो मैं आपको हाइट दिखाता हूँ। हाइट देखिए, नॉर्मल हाइट भी सेम है। ठीक है, 1.5 फुट का, 1.5 फुट का, एंड इसमें भी 1.5 फुट का ही है, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ तो 1.5 फुट का मतलब हो गया 1.5 फिट का, तो 1.5 फिट/3। ठीक है, इंटू में हो गया एरिया 1। एरिया 1 हमारा जो बेस है इसका, हम यहाँ देखेंगे अगर, तो बेस जो है वो 10 फिट इंटू में 10 फिट का है। ठीक है, तो एरिया 1 हो जाएगा हमारा 100 प्लस में एरिया जो 2 है वो हमारा है 2.5 फिट का, 2.5 फिट इंटू में 2.5 फीट का।
ठीक है, इसी चीज पे, तो उसे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.25 आएगा यहाँ पे, ठीक है। प्लस हम करेंगे, आगे आएंगे तो यही चीज यहाँ आ जाएगी, 100 इंटू में 6.25, ठीक है, इसे क्लोज। तो जब हम इस पे आगे बढ़ते हैं तो यही चीज ये डिवाइड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, एंड 1/2 इंटू में इसे अगर ऐड कर ले हम एक यहीं पे तो 106.25। मैं ये प्रॉपर उस रूल्स के तरीके से नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा पूरा 625 बन जाएगा, ठीक है। तो 625 का रूट होता है 25, तो हम यहाँ पे 25 ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो अब जो वॉल्यूम निकलेगा इसका टोटल 1/2 इंटू में हो जाएगा, इसे अगर मैं ऐड करता हूं तो ये हो जाएगा हमारा 1 और 6, 5, 11 हो जाएगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा, 0.25, ठीक है। तो अब जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं, जब मैं इसे प्रॉपर डिवाइड करूंगा यहाँ पे, तब ये हो जाएगा 65.62, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम आएगा। तो बेसिकली अगर हम देखें तो हमारा पूरे तीनों में हर चीज तो एक ही है, तो तीनों को वॉल्यूम क्यों नहीं सेम हुआ? बेसिकली मैंने तीनों को एक ही साइज का इसलिए लिया है ताकि हम कंपेयर कर सके साथ के साथ, ठीक है। तो अब मैंने एक और जो तरीका आपको बताया था कि अगर उसमें मैंने बताया था आपको कि मुझे जब नहीं पता था इसके बारे में, कि मुझे जब नहीं पता था तो मैं क्या करता था, नॉर्मल अपने यहां पे बना लेता था, उसे ग्रुप कर लेता था, एंड देन मैं इससे इसके इन्फो में जाके चेक कर लेता था तो मुझे वॉल्यूम मिल जाती थी, ठीक है। तो अभी हम मान लेते हैं कि इसका मैंने लिया, क्योंकि हमें पता है कि इसका ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, h/3 इंटू में एरिया ऑफ एरिया 1 प्लस में एरिया 2 प्लस में अंडर रूट एरिया 1 इंटू में एरिया 2, ठीक है। तो इसी को हम लेके चलते हैं, हम इसका चेक करते हैं। तो इसका देख सकते हैं आप, यहाँ 65.63 आ रहा है, जबकि हमारा आ रहा था 65.62, ठीक है, ये था। तो इसी तरीके से अगर मैं इसका भी लूं तो आप देखेंगे कि यही चीज आ रही है, ठीक है, एंड इसका जब चेक करता हूं तो ये चीज भी यही आ रही है। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि जो मैंने कहा था कि वो जो फॉर्मूला है वो इस जगह पे काम नहीं करता, उस बात को मैं अपने गलती मानता हूं कि वो मैंने गलत कहा था। और किसी भी तरीके के, अब ये तीनों तरीके के जो भी वॉल्यूम है उनका एक निकलेगा और इस फॉर्मूला से बिल्कुल अच्छे तरीके से निकलेगा, ठीक है। तो मैं अपनी गलती मानता हूँ, एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।